वर्तमान राजनीतिक हालातों के चलते किसान आंदोलन को समर्थन देने के सिवाय नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के पास कोई विकल्प नजर नहीं आया। आखिरकार शनिवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के इकलौते सांसद हनुमान बेनीवाल ने भाजपा और एनडीए से नाता तोड़ लिया। इसकी आहट तो हनुमान के बगावती तेवर देखकर ही पहले ही सुनाई देना शुरू हो गई थी। शाजापुर खेड़ा बॉर्डर पर किसानों के साथ धरना शुरू कर इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है। किसान आंदोलन की तेजी पकड़ने के बाद हनुमान बेनीवाल के पास विकल्प बहुत सीमित रह गया। वहीं प्रदेश में इस समय प्रभावशाली किसान नेताओं का अकाल पड़ा हुआ है। ऐसे में किसानों को नेता बनने की चाह में अपने बगावती तेवर के लिए प्रसिद्ध हनुमान ने एकला चलने से ही अपनी भलाई समझी और कूद पड़े किसान आंदोलन में। अब वे अकेले ही अपना रास्ता तय करेंगे या नया गठबंधन जुड़ेंगे ये अभी तय नहीं, लेकिन किसानों के लिए आंदोलन जारी रखेंगे ये साफ कर दिया गया है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी का मुख्य आधार कृषक समाज में ही है। इस समय प्रदेश की राजनीति में प्रभावशाली किसान नेता नहीं होने से उनके सामने किसान नेता के रूप में स्वयं को स्थापित करने का सुनहरा अवसर मौजूद है। इसे ध्यान में रखकर हनुमान काफी सोच विचार करने के बाद देरी से ही सही किसान आंदोलन में कूद पड़े। किसानों का नेता बनने की उनकी चाह कितनी सफल रहती है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन उन्होंने इस बार दांव बड़ा खेला है। हालांकि प्रदेश में केंद्र सरकार की कृषि पर लगाए गए बिल का विरोध बहुत कम है, लेकिन हनुमान अपने स्तर पर अलग जगह किसानों को इसके विरोध में खड़ा कर सकते हैं। यदि वे किसानों के एक छत्र नेता बनने में कामयाब रहे तो वे कांग्रेस और भाजपा से अपनी शर्त पर मोल भाव करने की स्थिति में होंगे। ऐसे में उन्हें गठबंधन की ज्यादा चिंता भी नहीं सता रही है। हनुमान अच्छी तरह से जानते हैं कि चुनावी माहौल में गठबंधन वापस बनने में समय भी नहीं लगता। गत लोकसभा चुनाव में नामांकन भरने के 2 दिन पहले ही उनका भाजपा से गठबंधन हुआ था। यदि हनुमान स्वयं को एक प्रभावशाली किसान नेता के रूप में काबिज करने में सफल रहते हैं तो इसका खामियाजा भाजपा और कांग्रेस दोनों को उठाना पड़ेगा। किसे कितना नुकसान पहुंचाएंगी यह प्रत्येक सीट पर खड़े उम्मीदवारों के आधार पर ही पता चल पाएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष चुने जाने से लेकर हनुमान ने अपने आक्रामक तेवर के दम पर शुरू से ही अलग छवि बनाना शुरू कर दिया था। इसके बाद उनके राजनीति में प्रवेश करने के समय तक उनके गृह जिले नागौर में नाथूराम व राम निवास मिर्धा का अवसान हो चुका था। नागौर के मतदाताओं ने हमेशा से दबंग नेता का साथ दिया, चाहे वे किसी पार्टी का हो। नागौर की राजनीति में बरसों तक एक छत्र राज करने वाले नाथूराम मिर्धा की छवि उड़ी हनुमान में नजर आई। हनुमान के राजनीति में प्रवेश करने के साथ कांग्रेस व भाजपा इसकी काफी सपोर्ट करते हुए नजर आई। वर्ष 1977 की जनता लहर में जब इंदिरा व संजय गांधी जैसे नेता ने भी चुनाव हार गए, लेकिन